अगर आप सोनपुर मेले में आए और यहाँ पर नहीं आए तो फिर बेफिजूल है यहाँ पे आना। यहाँ पे तिलकुट मिलता है हर एक प्रकार की, और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह का वैरायटी दिख रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे जो बेचते हैं उनसे बात करते हैं, कौन कौन से तरीके का तिलकुट है यहाँ पे? यहाँ पर तीन प्रकार के तिलकुट है। एक है जो पूरा खस्ता होता है, वो होता है रिफाइन वाला। एक डलडा में तैयारी होता है, हाँ दो, एक रहता है ये सोनपापड़ी है जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी चीज है? यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाली ये खास्ता है, सोनपापड़ी और ये पापड़ी। तो जितने का लागत लगाए हैं क्या उतना मिल गया? नहीं, अभी उतना तो नहीं आया है। अच्छा, इस बार उतना भीड़ मेला में नहीं है। तो क्या मतलब लोग यहाँ पे आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, चीजें लेते हैं, क्योंकि इतने लोग आते हैं, क्या लिए? हाँ, ले अक्सर तो ले ही जाते हैं। दाम की अगर बात करें तो क्या क्या दाम? एक एक है 120 रुपए केजी का, एक 140 का है, एक 220 का है जी। बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग तरीके के हैं और लोग यहाँ पर आकर खरीद रहे हैं। साफ तौर पे हम लोग को साथ जुड़ते हैं। ले रही है आंटी, क्या ले रही है? मिठाई लेके साला। हाय, अच्छा खाई है ऐसा वाला? हाँ, सोनपुर मेला का सबसे ज्यादा खास है ये। हाँ, ये खास है। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ले रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पे खरीदारी हो रही है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम साफ तौर पे जुड़ते हैं। क्या ले रही है मैडम? मियाँ मिठाई। अच्छा लगता है ये वाला? हाँ, अच्छा लगता है। सोनपुर में ज्यादा खास यही रहता है? मेरा तो खास यही है। से बोलिए ना, बोल देना। मेरा मियाँ मिठाई खास है, हम जब भी आते हैं मेला में तो मियाँ मिठाई खरीदते हैं। यही से खरीदते हैं? हाँ। कितने रुपए देते हैं? 120 रुपए केजी अभी दिए। 120 रुपए केजी। अंकल कितना बिक्री हो गया? अभी तो बहुत हो गया है, अभी बन भी रहा है अंदर में। अच्छा, जितना का लागत लगा उतना वसूल? नहीं, अभी उतना वसूल नहीं हुआ है। सरकार की अगर व्यवस्था की बात करे तो कैसी लग रही है? वो सब बढ़िया था। हाँ, फर्स्ट में दो चार दिन जो बंद रहा ना, वही प्रॉब्लम था मेला के, बाकी सब अच्छा, बाकी सब ठीक। ये देखिए एक बार भीड़ आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग आकर खरीद रहे हैं, और आप यहाँ पे आकर जो तिलकुट खरीद रहे हैं बहुत ही ज्यादा खास रहता है। और यहाँ पे जो अंकल मिलते हैं, जितना लागत लगा उतना का बिक्री हो गया? हो रहा है। हाँ, हलवा भी आप लोग रखे हुए हैं? हलवा भी है, सोन हलवा है। उसका क्या खासियत? गाजर का है, दूध का हलवा है, बढ़िया हलवा है। लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं। ले लिए अंकल? हाँ ले लिए। क्या लिए? ये लिए है, ये ले, क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? मिठाई है, मियाँ मिठाई। मियाँ मिठाई है, गोल गोल है, होता है। हाँ। खाने में अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप हमेशा यही से लेते हैं? हाँ, जब मेला आता है ना तब ले जाते हैं हम लोग। मेला के नाम, मेला के नाम, कितना दाम कितना लगाते हैं? यही बता रहे हैं, 200 रुपये 150 रुपये किलो। हर क्वालिटी का है, अच्छा भी है, बढ़िया भी है, और कम दाम में भी है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको बोलिएगा यहाँ पे आके लेने के लिए। काहे नहीं बोलेंगे भाई, सबको तो सबको आ रहा है लेने के लिए। ले ही रहा है, देख रहे हैं उधर, देखिए सबको ले रहा है। आप ले लिए? हाँ हाँ ले लिए। क्या लिए? खजूर लिए। आप अंकल? हम लिए हैं, सोन पापड़ी लिए हैं। ये सोन पापड़ी के नाम से प्रसिद्ध होता है ये ना जी, सोन पापड़ी। साफ तौर पे आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं सोनपुर मेले में यहाँ पर आकर सोन पापड़ी खरीदना, तिलकुट खरीदना और गाजर का हलवा खरीदना। तो अगर आपको, आप भी आने का सोच रहे हैं और क्या कुछ घर परिवार के लिए लेकर जाएं और क्या कुछ खरीद कर जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।